अस्सलामुअलैकुम नियार्स, वेलकम आवर चैनल। जैसे कि मैं पिछले वीडियो पे बताया था, 7.5 HP का जो मोटर था उसका एक सिरा ख़राब हो चुका था, उसको मैं रिपेयरिंग किया था। तो पिछले वीडियो में बताया था इसको दूसरा पार्ट में आएगा, दूसरा पार्ट में इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिटिंग करके एकदम से इसको आराम करके दिखाएगा आप लोगों को। तो चलो इसको फिटिंग कर दे। हल्का सा मोटर है, ज़्यादा वेट नहीं है इसमें, इसीलिए इसको उठा के ऊपर से डाल दिया। उसके बाद जो है इसका रिंग, बैरिंग रिंग, छोटा सा बैरिंग सा रिंग होता है, इसको लगाने के बाद लगा एकदम से फ्री है। इसको जो डस्ट पसार होता है इसको लगा देगा। आप लोग जैसे देख पा रहे हैं इसमें 6 लीटर आया है, ये काला, इसका इस पर वाला है काला, एंड ये दोनों 1 लीटर है। सामने वाला एक दो एक सेट का सामने आपस में जो आमने सामने जो कॉइल था उसका एक ये जो इस डबल पैरेलल कनेक्शन में वो दोनों स्टार्टिंग और फिनिशिंग पकड़ के जो 1 लीटर निकला था ये एक है, और दूसरा वाला हिस्सा ए है, दूसरा वाला सिरा ए है, दोनों ही काला काला है। और जो सामने वाला जो ए वाला जो लीड था पहले वो जल गया था, ए वाला जो आप दिख पा रहे होगा
जो लाल वाला जो लीड था इसका थोड़ा खींच के अंदर की तरफ चला गया, इसलिए छोटा पड़ गया। छोटा नहीं पड़ा, आपस में तो सही है लेकिन हिसाब से छोटा ही पड़ गया। इस हिसाब से थोड़ा पहले बड़ा था तो उसको मेरे को काट को थोड़ा इसको ज्वाइन करना पड़ा, इसलिए छोटा पड़ गया। इसका जो लीड है ये है सामने वाला, इसको आमने सामने, यानी ये है स्टार कनेक्शन में है। जब भी इसको खोल के सीधा आपस में जोड़ेगा ये आमने सामने कर देगा तो डेल्टा कनेक्शन में आ जाएगा, तो ये स्टार कनेक्शन में। और एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को, जब भी कनेक्शन करो कोई मोटर वाइंडिंग करे उसके बाद क्या होता है, ये जो बोल्ट है कभी कभार खोलने के टाइम अंदर चला जाता है, इसीलिए अंदर अगर नहीं जाए इसीलिए इस तरह का जो फॉर्म होता है इसको लगा के अच्छे से ये जो गैप है इसको पूरा कर दीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, अगर मोटर के लिए कोई अगर इसी तरह लगा दे तो अगर हाथ से छूट जाए कभी किसी भी टाइम, अगर बोल्ट हो चाहे वॉशर हो, कि बोल्ट हो चाहे वॉशर हो, हाथ से गिर भी जाए तो अंदर नहीं जाएगा, अंदर जाने का कोई डर नहीं रहता इसमें। तो इसके लिए मैं हमेशा से इसे बंद करके रखता हूँ, तो आप लोग भी कोशिश करेगा, कोशिश करना कि इसको बंद कर से बंद बंद करें। इसको बंद कर दिया, इसके बाद जो है ये जो हमारा लीड आया इसमें तीन लीड है, वो डायरेक्ट स्टार्टर से है, जो डॉल स्टार्टर है सामने ऊपर मेरा लगा हुआ है उसी स्टार्टर से सीधा आ रहे हैं इसमें दो। हाँ बस में मैं अभी जोड़ेगा इस साइड का जो लीड है तीन, इसमें जोड़ेगा। इस साइड तो एक्स्ट्रा कनेक्शन में है, तो एक दो तीन, इसमें रेड येलो ब्लू, चाहे ब्लू येलो रेड किसी भी तरह, चेकिंग के टाइम कोई मुश्किल नहीं, इसमें कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उल्टा जब हो जाता है तो मोटर रिवर्स में घूमने लगता है, फॉरवर्ड में नहीं घूमता। अगर फॉरवर्ड में घुमाने के लिए क्या करते हैं, क्या करेगा कोई भी, अगर मान लो ए में इसको जोड़ के रखा है, ये दोनों जो फेज होगा आपस में जोड़ के इसको चेंज कर देगा। ये रेड वाला जो है पिला के साइड लगा देगा, लाल वाला पिला के साइड लगा देगा, पिला वाला लाल के साइड, जो ब्लू है वो ब्लू ब्लू में इधर ही रहेगा। कोई किसी भी तरह अगर मोटर रिवर्स में घूमे तो उसको फॉरवर्ड करने के लिए ए करना पड़ेगा हम लोग, किसी भी एक वायर छोड़ के दो वायर को आपस में बदल देना चाहिए, बदल देगा तो वो सीधा इंशाल्लाह सीधा हो जाएगा। तो चलो हम चलो आप लोगों को जोड़ के दिखाते हैं इसको, अब इसको कनेक्शन करके चेकिंग करके देख पा रहे, इसको मैं जोड़ लिया तो कनेक्शन के चालू कर, चेकिंग का टाइम, चेकिंग के बारे अभी। चलो ये सही घूम रहा है, थोड़ा सा बैरिंग में आवाज़ आ रही है लेकिन वो आज इंशाल्लाह चलते चलते सही हो जाएगा, क्योंकि ये मोटर पूरा पानी के अंदर चला गया था इसीलिए थोड़ा आवाज़ आ रही है बैरिंग में। तो सब ग्रिल किया हमें, बिल्कुल नया था बैरिंग इसीलिए मैं चीज़ को चेंज नहीं किया, तो और एक बार देख लीजिए। आज के लिए यहाँ तक, अगर इस मोटर का पूरा फुल वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो भाई कमेंट में जरूर बताएगा, तो मैं कोशिश करूँगा 7.5 HP का जो 2900 RPM में मोटर है मैं इसको फुल वीडियो दे सकता हूँ। अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और मेरा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे जाकर जो कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले उसमें। तो आज के लिए तो यहाँ तक ही।